Hare Krishna, Krishna, Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम

कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जय गौरता गौरित गौरनीताई जय गौरता जय कृष्ण बलराम कृष्णा वाला राम कृष्णा वाला राम जय वृंदावन धाम जया लालिता विशाखा जया राधे श्याम लालिता विशाखा जया राधे श्याम जय जय प्रभु पार प्रभु पा प्रभु पाशिला प्रभु जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव 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 गुरु गुरु जय जय नित्यलीला प्रविष्ट जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टादश सदस्य श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत श्रील प्रभुपाद की वैष्णव अनंतकोटी वैष्णवभक्तवृंदकमाचार्य छह हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्टरघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्टदास रघुनाथ स्वामी प्रभुगण की जय प्रेम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादी की जय श्री श्री मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री बद्रिका धाम की जय श्री श्री अयोध्या धाम की जय श्री श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री श्री देवी तुलसी महारानी की जय श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की श्रील प्रभुपा ट्रांसिडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की युग धर्म श्री हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्णा महामंत्र की ऑल ग्लोस टू असिमल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोस टू असिमल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोस टू असिमल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोस ऑल ग्लोस टू श्री गुरु आनंद गौरंग शिला प्रभुपाद की हरे कृष्णा तो आज के इस पाताकालीन श्रीमद् भागवतम कथा में आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम और समस्त उपस्थित वैष्णव और वैष्णव के चरणों में वैष्णवी के चरणों में मैं निवेदन करता हूँ कि मुझे ये आशीर्वाद प्रदान करें कि इस जो वास्तविक ये मेरा प्रथम भागवत कथा है श्रीमद् भाग भागवतम के ऊपर इससे पहले चेतन चेतन गीता का प्रवचन हो चुका है लेकिन भागवतम एक महापुराण की बोलने के लिए जो योग्यता है निश्चित रूप से मेरे पास वो है नहीं तो फिर भी आप लोग की कृपा से और जो पूर्ववर्ती आचार्य उनसे जो भी कुछ सीखा है सुना है और पढ़ा है तो मैं प्रयास करूँगा आज के जो श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए तो इसलिए आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें अगर उसमें कहीं त्रुटि हो तो मुझे अपना दासानुदास समझ कर मुझे क्षमा कर देना ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ वासुदे <coughs> नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो, <coughs> वासुदे वासुदे नमो भगवते वासुदेवाय <coughs> नारायणं नमस्कृत्यं <coughs> नरम च नरोत्म देवी सरस्वती व्यास तथय मुदीर नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नि भागवत सवया स्लोके भक्तिर भगवती हरे कृष्ण तो आप लोग पिछले कुछ दिनों से श्रीमद् भागवतम की जो दस विषय वस्तु है आप लोग सुन चुके हैं कि सर्ग विसर्ग स्थान और उसके उपरांत पोषण भगवान किस प्रकार अपना भक्त को सुरक्षा देते हैं पोषण और उसके उपरांत जो पांचवी विषय वस्तु है भागवतम की वो है उतया और छठा विषय वस्तु है मनवंतर ये सारे अलग अलग मनु के जो शासन के बारे में आप लोग श्रवण करते आ रहे हैं तो उसके उपरांत ईशानु कथा द साइंस ऑफ गॉड इसके बारे में आप लोग सप्तम स्कंद में सुन चुके हैं और अष्टम स्कंद में आप लोग जो है निरोध यानी कि डिसोल्यूशन इसके बारे में श्रवण कर कर चुके हैं तो अभी हम भागवतम की नवम स्कन जो कि भगवान श्री कृष्ण की ग्रीवा के साथ तुलना की गई है तो ये है मुक्ति इसमें हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इसके उपरांत जो दसम विषय वस्तु है यह आश्रय इसी दस विषय वस्तु है भागवतम की तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे आज नवम स्कंद की तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है चवन मुनि और सुकन्या के विवाह बड़ा बहुत रोचक प्रसंग है तो आप लोग परम पूज्य श्री बंद चंद्र महाराज और पिछले क्लास में परसों के दिन विश्वरूप प्रभु से सुनते सुनते आ रहे हैं तो आज हम दस ग्यारहवें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं कस्यचित तू अथ काल से नाशत्यो आश्रम आगत तौ पूज्वा प्रवाच वयं मे दत्तम ईश्वरौ कस्यचित् तो तथा ना सत्य वाश्रमागतौ तौ पूजित्वा प्रोवाचा वयो मे दत्तमीश्वरौ कस्यचित्वथकालस्य नासत्या माम् आश्रमागतौ ना माम तौ पूजित्वा प्रवाच वयो मे

न सत्या वामाश्रमागतौ तौ पूजित्या प्रोवाच च मेतं समीचीनं तस्य चित्रकालस्य न तौ पूजित्वा प्रोवाच

न सत्यं बाम श्रमागतो तो उपजित्वा प्रवाचा नयमे तत्मेश्वरो कस्य चित्तत्तः कामसो न सत्यं बाम श्रमागतो तो उपोजित्वा प्रवाचा नयमे

कालस्य समय की बीतने पर ना सत्यो दोनों अश्विनी कुमार आश्रम चवन मुनि के स्थान पर आगतौ पहुँचे तो, दोनों के पूजयित्वा सत्कार तथा नमस्कार करके प्रवाचा, कहा तारुण्य मैं मुझको दत्तम कृपा करके दे दो ईश्वर क्योंकि तुम दोनों ऐसा करने में समर्थ हो अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति बीना स्वामी जगत गुरु प्रभुपाद के द्वारा कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार जो स्वर्गलोक के वैद्य थे च्यवन मुनि के आश्रम पधारे उनका सत्कार करने के पश्चात चवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने हेतु प्रार्थना की क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे तात्पर्य अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वैद्य किसी को भी यौवन प्रदान करने कर सकते थे चाहे वह वृद्ध ही क्यों ना हो निसंदेह बड़े बड़े जोगी अपने योग शक्ति से सब में भी जीवन फूक सकते हैं यदि शरीर के संरचना बिगड़ती नहीं हो शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के को के उपचार के प्रसंग में हम उसके व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र सबको जीवित करने या वृद्ध शरीर में यौवन लाने में असमर्थ है किंतु इन श्लोकों से हमें पता चलता है कि यदि कोई वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है आयुर्वेद में दोनों अश्विन कुमार धनवंतरी के ही समान पटु थे यदि भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जाती है तो इसे प्राप्त करने हेतु वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए किंतु सबसे बड़ी पूर्णता सिद्धि तो श्री भगवान का भक्त बनना है इस पूर्णता को प्राप्त करने हेतु मनुष्य को श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करना चाहिए जो वैदिक कल्पतरु का फल पका हुआ फल माना जाता है निगमा कल्पतरु गलितम फलम ओम ज्ञानतिमरंध्य ज्ञानांजन शक्षुन्मीत <coughs> जेन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभ स्थापित जिन भूतले स्वयं रूप कदम ददातीपदीक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरोन्वैष्णव श्री रूप सग्रजा सघन रघुनाथन्वी तीव साइ सवधूत पिरीजनसहत कृष्ण चैतन्यदेव सहगन ललिता श्री, श्री, श्री विशाखान्त हे कृष्ण कूणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीक राधाक नमस्तुते ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय तं श्रोतु पङ्गर् मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य मत पदं भोजो राधा मदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुव्य च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नम नमो नम नमो महावद्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण क्रिष्ना नमने गौरत नम जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीअद्वैतगदाधर शिवा सदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गिरीप वंदे श्री गुरुदीन तारिणम श्री परमांद माधव श्री चैतन्य ईश्वर हरे कृष्णा तो सबसे पहले मैं मंदिर का प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज मुझे ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया गया है में जैसा महापुराण के बारे में कुछ बोलने के लिए तो जैसा आप लोग सुनते आ रहे हैं ये चैप्टर का नाम क्या है च्यवन मुनि और सुकन्या इन दोनों का विवाह है कि नहीं तो ये हम जैसा अलग अलग शास्त्र में अध्ययन करते उपनिषद में महाभारत में पुराण में और श्रीमद्भागवतम तो है ही तो ये चेवन मुनि के बारे में भी बहुत सुंदर वर्णन है ये एक ब्रह्मर्षि थे जो सबसे जो ऋषि का जो टॉप मोस्ट लेवल होता है ये है ब्रह्मर्षि राजर्षि हाँ जो खेत्र लोग रहते हैं और वो जब ब्रह्म को जान लेते हैं और ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाते हैं उनको ब्रह्मर्षि बोलते हैं बड़ा तेज तेजस्वी पुरुष रहते हैं और इस प्रकार उनके जो आश्रम था ये पयोस्नी पयोस्नी करके एक नदी है पवित्र नदी है उसके तट पर उनका आश्रम स्थित है तो आज भी कुछ लोग बोलते कि बिहार में ऐसा स्थान है अभी भी हो आप लोग जो खाते हैं ना च्यवन प्राश ये चवन मुनि के नाम से ये हैं तो प्रसिद्ध है तो ये बड़ा वेदज्ञ थे अपना पिता जो थे भृगु जो सप्तर्षि में से एक आते ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भृगु उनके पुत्र थे और उन्होंने सारे वेद का ज्ञान जो ये भृगु से सीखा था और उसके उपरांत फिर ब्रह्मा जी से भी वेद ज्ञान उन्होंने प्राप्त की थी और अपने तपस्या के लिए बड़ा प्रसिद्ध थी लेकिन एक दोस्त था उनमें बड़ा क्रोधित हो जाते थे छोटे छोटे बात पर बहुत इरिटेबल हो जाते थे पिछले श्लोक में आपने सुन चुके हैं विश्वरूप पर उन्हें बोला रहेगा ज़रूर कि किस प्रकार जो सुकन्या थी उनका विवाह होता है इसके बारे में थोड़ा बताने जाऊँगा अभी तो उसके उपरांत वो कैसा उनको मनोभाव को समझ कर अपना जो पति पत्नी का धर्म होता है कि पति का मनोभाव को समझ उसका सेवा करना चाहिए तो इस प्रकार जब चेवन मुनि का सेवक कई एक शास्त्र में कहा गया है कि अरुषी अरुषी करके एक उनका पत्नी थी बट मुख्यतः जो श्रीमद् भागवतम तो में वर्णन है यह है सुकन्या वो उनके पत्नी थे चेवन मुनि के है कि नहीं तो और सुकन्या के बारे में तो आप लोग शायद जानकारी प्राप्त हो रही है कि सुकन्या सु अर्थात उत्तम गुणवत्ती जो है कन्या अर्थात बालिका तो ये थे सराय सरयाती सरयाती का ये कन्या थी और सरयाती जो थे वैवसत मुनु के पुत्र थे तो उनको कई संतान थे तो उसमें से सबसे गुणवती थी यह सुकन्या तो एक बार ऐसा वो भी दिखने में बड़ा सुंदर थी हाँ अपना जौवन अवस्था में थी 16-17 साल उम्र थी उनकी तो उसी समय एक बार ऐसा हुआ कि चेवन मुनि के आश्रम में मुनि जी के दर्शन करने के लिए पहले ज़माने में राजा लोग आते थे उनसे कुछ उपदेश प्राप्त होते थे और कैसा राज्य कार्य को सु सुचारू रूप से पालन करे और अपना गृहस्थ धर्म को निभाए तो इस प्रकार वो आकर मुनि ऋषि से मिलने आते थे तो इसी इसी प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि जब वो आए थे एकदा तो मुनि आश्रम में अपना पूरे सेना और अपने परिवार पुत्री कन, कन्या अर्थात जो पुत्र कन्या और सारे परिवार के साथ और पूरा सेना के साथ आकर उपस्थित हुए तो उस समय च्यवन मुनि ये तो बहुत जो है ध्यान तपस्या में थे और समाधिस्त थे और इतना तेज़ निकल रहा था उनका शरीर से कि चारों तरफ आलोकित हो जाता तो इतना समय तपस्या करने के उपरांत क्या जो दिमक का जो मिट्टी ये उसके ऊपर ऐसा हुंका जैसा वही हुंका बोलते हैं हम लोग उड़िया में तो दिमक दिमक का पहाड़ जैसा बन गया था तो लेकिन एक जो उनका आँख था ये आँख दोनों बाहर से दिख रहा था एक ऐसा दिख रहा था जैसे कोई ज्योति निकल रहा है ए जैसा तो लेजर का हम टॉर्च लाइट जलाते हैं ना तो ऐसा दो हुंका से ऐसा दिमाग दिमक हुंका से ऐसा दिख रहा था तो उसी समय जो थे आ, राजा आकर पधारे अपने सेना और इनके साथ तो उसी ये में जो एक से, तो आ, देखे कि मुनि ऋषि जो तपस्या में मग्न है तो राजा उनके सारे व्यवस्था थे सारे सेनाओं के साथ वहाँ रहने लगे और जब संध्याकालीन समय हुआ तो राजा जाकर मुनि जी के दूर से प्रणाम किए तो उसके साथ साथ उनके पीछे पीछे उनका जो पुत्री थी सुकन्या वो भी अपना सहेलियों के साथ वहाँ जाकर उपस्थित हुई और वो भी राजा जी को जो है जो मुनि ऋषि को वहाँ जब देखने लगे कि दिमाग के जो पहाड़ जैसा बन गया था तो छोटे छोटे जो आलोक दिख रहा था तो उसका बड़ा कौतूहल हुआ कौतल वश और अज्ञानवशत उसने क्या किया कि दो कांटा लेकर उसके जैसा बच्चे लोग का आदत होती है कुछ नया चीज़ देखते थे, तो उसको थोड़ा उंगली करने का उनको बहुत आदत रहती है तो वैसा ही उन्होंने जब दोनों कांटा डाल दिया तो अचानक एक भयंकर शब्दों अंदर से आया कोई चित्कार कर रहा है और उधर से खून का रक्त का धारा बहने लगा तो भयभीत हो गई तो वहाँ से जाकर अपना कमरे में छुप गए और क्या हो गया मैंने इससे बहुत बड़ी अपराध हो गया कौन है उसके अंदर निश्चित कोई मुनि महात्मा रहेंगे तो उसको तो पता नहीं था कि उसी के अंदर ही मुनि थे उनका पिता को पता था लेकिन तो इसके उपरांत जब रात्रि समय हुआ सब लोग अपना डिनर तो खा लिए लेकिन सुबह सुबह बहुत बड़ी समस्या हो गई आप लोग जानते हैं ना सुबह सुबह क्या करना कह रहते हैं ये शौच क्रिया दोनों बंद हो गया टट्टी पिशाब दोनों सारे सेना सारे ये सब बंद पेट में भरा हुआ है लेकिन बाहर नहीं जा रहे तो क्या हो गया क्या करेंगे सबका एक ही हाल है तो राजा बड़ा चिंतित हो गया राजा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला लिया सुबह सुबह ये है क्या घटना क्या हो गया किसने ज़रूर कोई अपराध किया है मुनिवर के चरणों में नहीं तो ऐसा क्यों ऐसा हालत है तो सब लोग जब एकत्रित हुए तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो बोले हमने तो कुछ नहीं किया है तो इसी समय जो सुकन्या थी उसको तो पता था उससे ही गलती हुई है तो जाकर सबके सामने तो नहीं बोली अपने पिताजी को रिक्वेस्ट करके अपना कमरा में बुलाई बोले चरण में गिर पड़ी और बोलती है कि मेरे से ही अपराध हुई मैं ज्ञान बसंत इसी मुनि के जो ज्योति स्वरूप आँख थे उसी के अंदर कांटा डालने के कारण उनसे रक्त शराब हो गया आप तो जब ये बात सुने सराजित खूब भयभीत हो गए अरे क्या कर दिया तुमने तुमको पता है ये चैवन मुनि जो होते हैं इतना क्रोधी है उनकी इच्छा मात्र से तुम्हारे हमारे सारे वंश और सेना सारे नष्ट हो जाएंगे क्यों ऐसा किया तुमने वो रोने लगे बेचारा मेरे से ज्ञान से हो गया मैं तो जानता नहीं था मुनि है करके मैं तो सोचा कोई लाइट है तो ऐसा करके मैंने तो कर लिया जो हो गया हो गया अभी क्या समाधान समाधान क्या करे तो फिर राजा बड़ा चिंतित होकर फिर अगले जब सुबह गए मुनि ऋषि के चरण पर उनके सब निकाल दिए का जो सब क्लियर करने के बाद मुनि ऋषि बैठे आंख से अंधे हो चुके थे हैं तो बड़ा क्रोध में थे तो राजा ने चुरंत उनके चरण में जो अष्टांग प्रणिपात करके तो बोलते हे मुनिवर कृपा करके हमें श्राप मत दीजिए हमारा जो लड़की है ये अट्ठारह साल भी नहीं हुआ है ये नावाली का है इज नॉट एविन माइनर मेजर अभी तक वो उसका हिताहित ज्ञान नहीं है तो गलती से जो हो गया तो आप के लिए प्रसन्नता के लिए मैं समझ सकता हूँ वृद्धावस्था में है आपका दांत सब झड़ चुके हैं और चमड़ा जो सब ढीला हो चुका है और आप उठ उठने बैठने का भी सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से और ऊपर से आंख भी चला गया तो इसलिए आपको एक सेवक और सेविका है। है की आवश्यकता है कि नहीं तो इसलिए पहले ज़माने में जो मुनि ऋषि और ऐसा सब जो भी किस भागवत में जितना भी वर्णन है ऐसा इसको मत समझिए कि ये कोई कहानी है नहीं ये भगवत इच्छा से भगवान की इच्छा से ऐसा बहुत सारे मुनि है जिनके विवाह होती है ऐसा ऐसा लोगों से तो लोग समाज को शिक्षा देने के लिए या भगवान ने कोई लीला करना चाहते हैं जैसा अत्री और अनुसया उनसे भी बहुत कुछ लीला हुई आप लोग सब जानते हैं इस सब के बारे में तो इस प्रकार इसको साधारण मत समझिए तो जब वो बोले कि मैं अपना पुत्री को आपको विवाह में के रूप में आपको प्रदान करना चाहती हूँ तो मुनि बड़ा थोड़ा शांत हो गए बोलते ठीक है तो मैं तो इतना बूढ़ा हूँ ये तो बहुत कम उम्र का है तो कोई बात नहीं इससे आप लोग माताएं को सब सीखना चाहिए कि जब स्त्री का धर्म होता है सेवा आप लोग कर्दम और देवभूति उपाख्यान में सुन चुके हैं कि किस प्रकार विवाह के कुछ समय तक जो है देवभूति खूब सेवा की करदम का इतना प्रसन्न हो गए तो बोले कि आप जो है फिर जब उनका समय हुआ तो वो मानसरोवर में स्नान करके फिर आप लोग सब जानते हैं उसकी लीला आगे करके भगवान कपिल देव भी उसी ये में आए थे तृतीय स्कन में वर्णन है तो उसके इसी सिलसिला में जैसा हम देखते आगे तो ये खूब सेवा करने लगे अपना पति का आ, तो मन प्राण देकर बिल्कुल उनका मनोभाव को समझ कर व्हाट इज इज एटीच्यूड ऐसा समझ कर उनका सेवा करती थी और सेवा के द्वारा उनका हृदय को जीत ली कौन सुकन्या तो उसी समय तो मुनिवर कभी उसके पर थोड़ा कृपा हुई तो मुनिवर सोचने लगे अगर काश में अगर नौजवान बन जाता था तो शायद मैं भी उसको कुछ जैसा पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन होती है तो हर स्त्री का भी कुछ आशा रहती है मुझे कुछ संतान प्रदान करेंगे कुछ सुख प्रदान करेंगे तो इस प्रकार जब चेवन मुनि को ये मन में चिंतन हो रहे थे कि कहीं ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मैं मेरा अपना पूर्व यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाऊँ तब मैं जो है सुकन्या के साथ अपना दाम्पत्य जीवन बिता सकता हूँ तो इसी प्रकार जब चिंतन में थे तो आज का श्लोक जैसा है आ, एक काल में तो ये दोनों अश्विनी कुमार अश्विनी कुमार जो होते हैं ये है सूर्य सूर्यदेव का दोनों जुड़वा पुत्र है अश्विनी अश्विन अश्व उनके मुख जो थे घोड़े के समान थे बड़ा सुंदर थे तेज तेज निकल रहा था शरीर से सोने के रथ पर पूरा सारा पृथ्वी को भ्रमण करते थे पृथ्वी नहीं तीन चौदह लोग को भ्रमण करते थे वो दोनों थे देवर्दी डॉक्टर्स यानी कि राजवैद्य थे उस समय तो एलोपैथी होम्योपैथी नहीं था आयुर्वेद ही था और के प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है इतना क्वालिफाइड फिजिशियन थे दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू धनवंतरी, जो भगवान की अवतार है तो उन्होंने सारे ज्ञान जो है प्रजापति दक्ष से सीखा था आप लोग दक्ष यज्ञ जानते हैं ना जो पार्वती जी का जो पिता प्रजापति तो उनसे उन्होंने सारे आयुर्वेद शिक्षा किया था उसके उपरांत और दो विद्या उन्होंने प्राप्त की थी जो है मधु चिकित्सा और है प्रवर्ग चिकित्सा ये भी एक जैसा सर्जरी और मेडिसिन दो ब्रांच होते हैं हमारे मेडिकल में तो इससे इसको भी पूरा शिक्षा की थी ये दधी मुनि से दधी मुनि का नाम सुना रहेगा जैसे इंद्र का वज्र बना था तो इस प्रकार तो इन्होंने बड़ा प्रवीण थे इतना एक्सपर्टाइज थे उनके खाली मेडिसिन नहीं वो बाल विद्या पीडिएटिक्स और जो है काय चिकित्सा यानी कि शरीर का चिकित्सा और शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी और ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट आप लोग सुना है हार्ट ट्रांसप्लांट लंग ट्रांसप्लांट लीवर ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट हेयर ट्रांसप्लांट स्किन ट्रांसप्लांट हजार हज़ार आजकल टेक्नोलॉजी आ गया तो ये पहले भी ज़माने में ऐसा था और उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्यून सपरेशन स्टेरॉयड वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता था जस्ट बाय मंत्र बिकॉज हर चीज़ जो है हम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रभवते थे गीता में भगवान कहते हैं सारे चीज़ जो मेरे से ही निकलता है, है कि नहीं तो इस प्रकार ये दोनों वैद्य तो थे लेकिन ये सूर्य पुत्र होने के नाथ नाते जो सूर्य और संजना इन दोनों के संयोग से ये हुए थे संजना का विवाह के बाद जब सूर्योलक में गई थी तो उसको बहुत गर्मी लगा सूर्य उत्ताप सहन नहीं कर पाई वो वहाँ से निकल कर अगर जंगल में भ्रमण करने लगी उसी समय सूर्यदेव ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे जंगल के अंदर तो फिर जब दोनों का संयोग हुआ तो इसे जुड़वा पुत्र हुए थे और तीसरा पुत्र भी एक हुआ था जो भी है तो उसके उपरांत इन्होंने शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त कर ली और बहुत बड़े डॉक्टर थे और स्किन ग्राफ्टिंग हर तरह हर, और सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट थे ब्रेन जो हेड ट्रांसप्लांट आप लोगों ने कभी सुना है अगर किसी को सर काट दिया जाए और किसी को बोलते हैं इसको जोड़ दो कोई जोड़ सकता है अभी तक हम भी डॉक्टरी किए हैं तीस साल से हमारा अनुभूति है अभी तक मेडिकल साइंस में कोई डेवलप नहीं हुआ है कि कोई कटा हुआ सर को जोड़ दे हैं तो उसके लिए एक आदमी तो मर जाता है मरा हुआ आदमी को जिंदा कैसा किया जाता है प्रोपात आत्मनि सुंदर से लिखते हैं कि मरा हुआ आदमी को जिंदा किया जा सकता है गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है इसको बोलते हैं मृत्यु संजीवनी मंत्र क्या बोलते हैं मृत्यु संजीवनी जिसका आपने सुना है शुक्राचार्य जी ने भी जब किए थे बलि महाराज और सारे सेनाओं देवता के द्वारा मारे गए थे है कि नहीं तो मृत्यु संजीवनी मंत्र के द्वारा इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्र में तो ये मूर्ति संजीवनी मंत्र होता है ये गरुड़ पुराण में जैसा वर्णन है ये है अखी ओम ओम स्वाहा ऐसा करके एक मंत्र है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते हम बोले तो भी काम नहीं करेगा ये जो होता है जो आदमी मर जाता है है कि नहीं अस्पताल में हो या घर में हो व्यक्ति का मृत्यु के बाद उसके कान में तीन बार इस मंत्र को बोलना होता है तो जिकिन जो बोलने वाला अगर क्वालिफाइड है उसके लिए कॉम्पिटेंट है जो ये अश्विनी कुमार दोनों के थे ये क्या करते थे ये जो जोड़ देते थे आर्टरी टू तो आर्टरी टू 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 भें, नर्व तो नर्व स्पाइन स्पाइन मसल टू मसल स्किन टू स्किन बात खत्म हेड सर्जरी ओवर फिर बाद में ओम जो है मंत्र को उच्चारण करते थे जो मूर्ति संजीवनी मंत्र अतियो ओम ये मंत्र तो इसको उच्चारण करने से आदमी जीवित हो जाता था हैं तो ऐसा एक्सपर्ट थे वो। और उसके सबसे पहला प्रयोग उन्होंने किया अपना पित जो है आध्यात्मिक पिता स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे प्रजापति उन्होंने था उन्होंने आयुर्वेदिक साइंस तो जब दक्ष यज्ञ में आप लोग जानते हैं जब सती गई उधर शिवजी के मना करने पर क्योंकि उन्होंने दक्ष्य ने शिवजी को तो निमंत्रण नहीं किया था बाकी सारे देवता थे और खूब अपमान कर रहा था शिवजी का तो इस प्रकार जब शिव जी का अपमान होता है सती से सहा नहीं गया तो अपना शरीर से जो ताप से उन्होंने अपना शरीर को जला डाली भस्म कर दिया अपने शरीर को तो इसी प्रकार तो सारे लोग जो है खबर दिए शिव जी को शिव जी इतना क्रोधित हो गए निकाले अपना जटा नीचे डालने के पर वीरभद्र करके एक महान तेजवान जो है फायरी बॉडी उसका रहता है वो पर, प्रकट हुई और खूब तेजी से जाकर पूरा ध्वंस विध्वंस्त कर दिए और सबसे मेन टारगेट था दक्ष को एक तलवार ली और जो बली के यहाँ पर एक लगाई चोट सर और खाली सर को तो था तो ये दोनों अश्विनी कुमार भी प्रेजेंट थे वो भी थे उधर शायद ये लोग सर्जरी करके संजीवनी मंत्र से जीवित करते लेकिन जो गदा जैसा रहता है ना उसको सर को ऐसा फोड़ दी उनका आँख ना कुछ पता ही नहीं चला टुकड़ा टुकड़ा हो गया किमा बना दिया उसको फिर उसने बकरी का सर जो है इतना एक्सपर्ट थे अश्विनी कुमार दोनों दोनों बकरी का भी सर से भी इनका सर्जरी आता है वो हमारा मेडिकल साइंस तो सोच भी नहीं सकता कभी कभी हम भी करते हैं नेक सर्जरी करते हैं लेकिन ये बकरी का हेड के साथ जोड़ सकता है ये तो संभव नहीं तो वो भी उन्होंने जोड़ कर दे दिया तो दक्ष जीवित हो गए और पास में थे भृगु उनका दाढ़ी निकाल दिया था बिरोद ने तो दाढ़ी का भी हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया अश्विनी कुमार धन और जो सूर्यदेव थे उनका पिता उनका एक मुट्ठी मारा था सारे बत्तीस दांत निकल गए थे सारे दांत को इम्प्लांट कर दिया पीछे हमारा डेंटल क्लिनिक है लेकिन बहुत दिन लगता है बत्तीस कम से कम बत्तीस इंटू वन एक हफ्ता है बत्तीस हफ्ता लगेगा बत्तीस दांत बिठाने लेकिन उन्होंने एक तुरंत ही उन्होंने सारे वो सब दांत बिठा दिया और जो पास में थे एक भगा करके थे भगव उनका दोनों आंख को निकाल कर फेंक दिया था वीरभद्र ने ऐसा कभी मेडिकल साइंस में अभी तक डेवलप नहीं हुआ है कि दोनों आंख को बाहर निकलने के बाद उसको डाल दे अरे बाबा ये तो असंभव है क्योंकि ये जो रेटिना में होता है ना जो ऑप्टिक नर्व निकलता है अभी तक कोई मेडिकल साइंस हुआ नहीं जो कि नर्व का नर्व जुड़ नर्व कभी दोबारा हो सकता है ना ये असंभव है एक बार नर्व का डेथ हो गया दैट्स इट काम खत्म और बाद में अंधा ही हो जाएगा तो ये क्या करे दोनों आंख को भी डाल दिए तो भगा ने देखने लगा अरे ये तो बड़ा कौन सा ये इतना सक्षम थे हैं तो और भी एक उनके बारे में कहा जाता है एक राजा रुहा करते थे उसका नाम है खेला खेला राजा का एक पत्नी थी वो वीर रमणी थी योद्धा थी जैसे आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना है जो झांसी का रानी थी तो इस प्रकार युद्ध करती थी बहुत पराक्रमी थी तो एक बार युद्ध करते करते उनका एक टांग कट गई तो टांग तो कट गई तो लेकिन इसको करना क्या है तो ये अश्विनी कुमार को बुलाया गया उन्होंने लोहे का एक टांग बनाया जो आजकल जयपुर फूट का नाम सुना रहेगा आप लोग हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभी तो जयपुर फूट से भी हम लोग जो है टांग को ये जोड़ देते हैं है कि नहीं तो आ, उन्होंने क्या किया वो लोहे का टांग से जब मैंने जोड़ दिया तो ये पूरा नॉर्मल हो गई मैंने चलने लगी और खाली उतना नहीं सारे सेना को मार कर विजयी प्राप्त कर ली तो इस प्रकार दध्यांशी मुनि का भी एक कहावत है मैंने शास्त्र पुराण में वर्णन है दध्यांशी मुनि बहुत तो ये थे इंद्र से उनका थोड़ा शत्रुता हुई थी तो इंद्र ने वज्र से उनको बोला तुम्हारा सर को मैं काट कर ये कर दूंगा तो कहते तो धमकी तो दे दिया था लेकिन आ, तो ये उस समय क्या किया एक आर्टिफिशियल सर बनाया क्यों ना अश्विनी कुमार ने मैं उनका थोड़ा आयुर्वेदिक साइंस से कितने एक्सपर्टाइज थे मैं बता रहा हूँ आज के श्लोक से जड़ी थे उनके कथा तो लकीली क्या हुआ कि इंद्र ने सर तो काटा नहीं इसलिए बच गए हैं नहीं तो फिर इतना एक्सपर्ट थे और जो घ्राण शक्ति और दृष्टि शक्ति जो होते हैं स्मेल पावर और देखने का शक्ति ये कहते हैं कि जो अश्विनी कुमार का ध्यान करता है उनका पूजा करता है तो हम लोग को तो ज़रूरी नहीं है हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र है कृष्ण को पूजा करने से सारे सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है कि नहीं लेकिन ये आज भी, भी लोग कहीं अस्पताल में हम देखते हैं तो उसका भी उपयोग किया जाता है अश्विनी कुमार को रखा कर याप और या फिर जो है धनवंतरी उनकी आराधना की जाती है तो इस प्रकार अश्विनी कुमार ये थे तो हम देखते हैं जिस प्रकार आपने ये जानते हैं ना जरा जरा करके एक राक्षसी थी तो जरासंध तो आपने पढ़ा है ना वो कृष्ण कृष्ण लीला में कंस का ससुर थे है कि नहीं तो उनका भी जन्म हुआ तो दो टुकड़ा थे ये भी ऐसा करके उन्होंने भी ये तो असंभव नहीं है तो प्रभुपाद कहते हैं आज के समाज में इतना गिर चुके हैं हम कि हमारा चेतना इतना गिर चुके इसका एकमात्र कारण प्रभुपाद लिखते हैं दर इज लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज हम भगवान से जुड़े नहीं तो सारे ज्ञान ये आध्यात्मिक ज्ञान विशेष करके आयुर्वेद का ज्ञान सारे वेद में है वेद में कर्मकांड ज्ञानकांड कांड सब कुछ है और विशेष करके ऋग्वेद में ऋग्वेद में ये बहुत विस्तार रूप से ये प्रसंग वर्णन है है कि नहीं तो इस प्रकार ये दोनों अश्विनी कुमार जो थे वो दोनों वहाँ आए थे कौन कि चवन मुनि के आश्रम पे कि वहाँ जाकर मुनि जी का दर्शन करेंगे तो आए तो तो है। उसी समय क्या हुआ जो पयांसु नदी था उसी नदी में ये जो सुकन्या रोज स्नान करती थी तो यौवन अवस्था में थी तो स्नान करने के समय उनका आँख जो है दोनों जुड़वा भाई थे उनका आंख उनके तरफ चला गया उसको तो सौंदर्य से आकृष्ट हो गए तो दोनों तो को आकर तुरंत उनके सामने बोले हे देवी आप कौन है तो आपसे हम दोनों प्रभावित हैं तो कृपा करके हम दोनों में से एक किसी को आप पति के रूप में स्वीकार करो सुकना तो भयभीत हो होगी यारे कौन तुम दोनों कौन है मैं तो जानता नहीं भी तुमको दिखने तो है ऐसा तेज निकलना है शरीर से बड़ा है स्वर्ग से कोई ऐसा ये लगते हो तो बोलते तुमको पता है मैं विवाहित हूँ ना नहीं नहीं विवाहित हमको पता है एवरीथिंग वी नो आपका पति देव वो कोई काम का नहीं है दान झड़ चुका है चमड़ा ढीला हो चुका है वो चल भी नहीं सकता है और ऊपर से अंधा भी है क्या फायदा रिजेक्ट हिम जस्ट फेक छोड़ो उसको अरे हम दोनों को ये करो हम तुमको खूब प्रकार का कहाँ घुमाएंगे कहा, हमारा रथ के ऊपर आ, तुम दोनों सकल तो घोड़े जैसा दिखते हो क्या बात करते हो तो सुकन्या में कुछ काम ये नहीं तो पतिव्रता थी कि शास्त्र में वर्णन है कि उनका पतिव्रता का परीक्षा ले रहे थे कौन या अश्विनी कुमार दोनों विजय प्राप्त कर ली कल किसी भी हालत पर मैं मेरा पति देव का ये भला हो बुरा हो जैसा भी हो मेरा पति मेरा देवता हो है कि नहीं तो इसी प्रकार तो जब उन्होंने ऐसा बोल दी तो दोनों को थोड़ा अपमानित लगा कल तो अच्छा कोई बात नहीं ठीक है चलते हैं लेकिन उनका मन में इच्छा थी किसके सुकन ने कहा कि भाई ये दोनों को लगते तो है कोई जादूगर जैसा लगते हैं कि उनके शायद कुछ कला है तो पूछताछ करने के बाद पता चला ये दोनों डॉक्टर है राज वैद्य है बड़ा माने ये सब कला है उनमें तो बोलते हैं क्या आप दोनों अगर इतना क्वालिफाइड हो क्या आप मेरा पति को जौबन अवस्था को प्राप्त दिला सकते जैसा आपने सुना है ना ये जजाति का उपाक्षण में जजाति भी ऐसा ही बोली थी अपना पुत्र को सारे पुत्र ने मना कर जो आखिरी पुत्र था उन्होंने सारे जवान दिए तो ये असंभव नहीं है उस समय में लेकिन आजकल ये साइंस ने एंटी ये सब देते हैं जीन थेरापी बहुत कुछ आ गया है फेस लिफ्टिंग सर्जरी मसल रिकन्स्ट्रक्शन सब कुछ करते हैं प्लास्टिक सर्जन फेस मैंने फेशियल सर्जरी लेजर सर्जरी दुनिया भर के आ गया है लेकिन कोई काम का नहीं है कितने साल तक चलेगा वो तो आपको पता है कई बार ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है कई बार जो है इन्फेक्शन हो जाता है या और कुछ साइड इफेक्ट्स निकलता है जो है देखिए आधुनिक ये में टेक्नोलॉजी भी एडवांस किया है अभी भी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन बट व्हाट इज द आउटकम उसका देखिए इतना सारे इम्यूनो सप्रेशन लेते तो और कुछ बीमारी निकलेगा आपका ब्लड काउंट कम हो जाएगा हजार इन्फेक्शन पकड़ेगा फाइब्रोसिस होकर लंग्स ख़राब हो जाएगा एक बीमारी का इलाज करने के लिए पचास और बीमारी खरीदेगा ऐसा ही करते करते आदमी मर जाएगा है कि नहीं तो लेकिन उस ज़माने में इतना टेक्नोलॉजी डेवलप था है कि नहीं तो उसने तो बोला हाँ बिल्कुल कर देंगे कोई शर्त ये नहीं लेकिन एक शर्त पर हम करेंगे तुम्हारा पति को जीवित लेकिन हम को तीनों में से तुमको एक चुनना है क्योंकि दिखेंगे तीनों सेम तो इस समय चेवन मुनि थे अपना घर पे ऐसा ये ये तो है कहीं जगह पर लिखा है कि ये प्रपोजल सुकुन्या ने दी थी कि आप उनको जवान कर दो लेकिन ये भागवतम कहता है कि स्वयं चेवन मुनि ने कहा था कि मुझे जवान का वापस कर दो जो भी है दोनों सत्य है तो इस प्रकार जब वो जाकर मिलते हैं चेमन मुनि तो चल भी नहीं सकते थे एक अश्विनी कुमार इधर एक इधर दोनों हाथ को पकड़ते लंगड़ा लंगड़ा के बहुत कष्ट से वही जो है पयांसु नदी के अंदर उन्होंने कुछ जड़ी बूटी भी साथ में लाए थे जैसा पानी के ऊपर डाल दिया तो उसके फ्यूम्स आने लगे बहुत खुशबूदार। ये प्यफिकेशन और दिव्य जल हो गया वैसा था नदी भी बड़ा दिव्य था तो जैसा ये तीनों ने उसके अंदर डुबकी लगाया जब उठे अरे भाई क्या ये तीनों एक जैसा है वन टू थ्री कोई अंतर नहीं दिखने में बिल्कुल सेम हम सकल क्या करना है बड़ा चिंतित हो गई सुकन्या का तो चुनना है कि कौन उसका पति है तब जाकर उसका नाम ये रखा होएगा हाँ या ना तो इसी प्रकार जब लेकिन वो अपना जो रियली पतिव्रता स्त्री होती है वो पति को तो पहचान लेता है कैसा नहीं जैसा देवता लोग होते हैं ना इनका जो पैर इस जमीन को टच नहीं करता है आप लोग देखेंगे कहीं शास्त्र में वर्णन है ये थिंक यही वैकुंठ लीला में भगवान की सारे देवता लोग जब आते हैं ऐसा एक लीला हुआ था जगन्नाथपुरी में एक सुवर था वो आनंद बाजार में बेचता था तो इंद्र जी एक बार आए थे अभी भी आते जगन्नाथपुरी में अभी भी आप जाएंगे अच्छा हमारा तो ऐसा भाग्य नहीं कई लोग देखे हैं जो देवता लोग आते हैं ब्रह्मा जी और ये इंद्र चंद्र वरुण सब आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन के रात को ग्यारह बजे साढ़े दस ग्यारह बजते हैं तो बड़ा सिंगार बेस होता है ना अः बहुत बहुत सुंदर वेश होता है जगन्नाथ जी का तो उसको दर्शन के लिए आते हैं इस बार इंद्र भी आया था तो ऐसा करते करते वो कुछ महाप्रसाद ले लिया लेकिन पैसा तो है नहीं उसके पास उसका करेंसी अलग है है इंद्र का जो स्वर्ग का पैसा इधर नहीं चलता है हैं इधर इंडियन रूपीज़ चाहिए था तो क्या करेंगे तो इंद्र ऐसे जा रहा थे बोला अरे भाई कहाँ जा रहे हो मेरा पैसा दे दो तो ऐसा बोलते दो बोले जब गया ये देखा ये चरण जो है उसका ज़मीन को टच नहीं कर रहा है ऐसा करते स्वर्ग द्वार तक गया वहाँ एक लकड़ी डालकर फिर ऊपर से विमान रेडी था इंद्र का जो है मातली वो लेकर चला गया उसको तो ये जब देखे तो फिर आकर इंद्र को उनको बोला तुम तो ऐसा कैसे जा सकते हो मुझे कुछ वरदान करके जाओ तो फिर वो आशीर्वाद दिया तुम जब चाहो उस समय तुम तुम्हारे इच्छा से बारिश हो जाएगा लेकिन उस समय उड़ीसा में जो दुर्भिक्ष पड़ा था तो बारिश नहीं हो रहा था राजा बड़ा चिंतित थे जो पूरी का राजा थे तो बड़ा चिंतित थे तो फिर भी ये जब आया तो अपना दुकान पर जब बैठ जब इच्छा किया सारे जगह पर कहीं बारिश नहीं हो रही उसी के दुकान के ऊपर धर धड़ धर, धर धर करके खूब जोर से मेघ बरसने लगा तो फिर राजा ने उसको बुलाया फिर बोले कि तुम राज्य में चारों तरफ घूम कर यही इच्छा करो तो सारे उड़ीसा में उस समय दुर्भिक्ष भी जो है इसका ये हो गया था तो इस प्रकार आप जानते हैं तो देवता लोग को ये आप लोग देखेंगे तो उनका चरण नीचे नहीं लगता है तो ये सुकन्या ने देखी ये तीनों तो बाहर निकल की नहीं दो फुटप्रिंट्स नहीं जा जाकर दोनों जो है लेफ्ट राइट सेंटर वाला का चरण चिन्ह दिख रहे हैं कीचड़ रहते है ना नदी से बाहर निकलते कीचड़ रहता है कीचड़ के ऊपर जब चरण चिन्ह देखा दिस इज माई हजबैंड और एक कहीं पर वर्णन है कि देवता लोग आंख का पलक ऐसा नहीं गिराते हैं मनुष्य जैसा गिरता है पलक तो ये भी एक जो भी है तो ऐसा पहचान ले तो ये दोनों आश्चर्यचकित हो गया बोलते खूब आशीर्वाद दिए वास्तविक तुम ही पतिव्रता स्त्री हो धन्य हो तुम जैसा आप लोग जानते हैं पतिवता स्त्रियों में से सीताराम करदम मुनि और देवहूति और द्रौपदी पंच सती है हैं मंदोदरी और अनेक अनेक ऐसा है गंधारी ये सब अपना सतीत्व के लिए हैं ये प्रसिद्ध है तो ये भी सुकन्या ऐसे ही थी तो इस प्रकार जब आए तो च्यवनमले भाई रुक जाओ रुक जाओ तुमने इतना मरे जवानी दे दिया मेरे को मैं भी मेरा भी कुछ कर्तव्य होता है तुमको कुछ देने का है ना क्या देंगे आप एक्चुअली कहीं पर वर्णन है कि सुकन्या ने इन दोनों को पहला जब देखी उसका मन बिल्कुल आकृष्ट नहीं हुआ सच में आकृष्ट नहीं हुआ क्योंकि ये जो ये थे कौन अश्विनी कुमार दोनों ये दोनों डॉक्टर लोग जो देवलोक के उनको शूद्र करके नाम के जानते हैं शूद्र मतलब दे आर द फोर्थ क्लास उनको कोई पूछता नहीं था हालांकि अश्विनी कुमार तो क्वालिफाइड थे वेदज्ञ थे सार वेद को ज्ञान था उनको लेकिन साधारण तो वो कभी कभी क्या करते थे ये मनुष्य लोग में आकर भी कभी कभी ट्रीटमेंट कर देते थे कौन अश्विनी कुमार तो पहले तुम लोग तुम लोग नीच हो तुमको सोमरस का पान का अधिकार नहीं है इसीलिए इन दोनों का शरीर से थोड़ा तेज कम था बाकी देवता के कंपेरिजन में तो ये चीज़ सु, सुकन्या को समझ में आया तो सुकन्या ने बोली तो तुम सोमरस पान नहीं क्यों इसलिए तुम दोनों को मैं पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है कि नहीं तो वही जो चैवन मूल्य वाले मैं एक सोम यज्ञ करने जा रहा हूँ सरियाती राजा को फिर बुलाए और उन बड़ा धार्मिक राजा थे तो उन्हीं के अध्यक्षता में बहुत सुंदर जो यज्ञ अनुष्ठान किए तो यज्ञ कुंड से एक व्यक्ति यज्ञ पुरुष जो होते हैं ना वो वो लेकर आए क्या ना सोम रस जिसको पीने से प्रभुपात बोलते दस हजार साल मनुष्य का जीवन बढ़ आयु बढ़ जाता है जो चंद्रलोक में प्राप्त होती है है कि नहीं अभी भी है प्रभुपात बोलते हैं लेकिन हमने तो हमारा कोई अनुभूति नहीं है लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा गया है तो ये जो है सोम रस को जैसा उन्होंने चवन मुसी देने जा रहे थे आ गया इंद्र जी है खबरदार स्टप व्हाट यू आर डूइंग ये दोनों डॉक्टर्स जो होते हैं ये सारे शूद्र है ये आके कभी कभी स्मशान खान में जाता है हैं क्रिमेटोरियम उधर जाके सब जीवित करता है सर्जरी वर्जरी करता है ए इसको मत दो हैं इसको क्या तुम समझ दे रहे हो तो बोलते नहीं इतना नहीं मेरा सेवा की नहीं दे आर नॉट क्वालिफाइड इतना बोलते ही तुरंत अपना जटा से निकाला कौन चवन मुनि डांट करके गिरा दिया नीचे महान मदा करके एक मदा हाँ, एक महान असुर प्रकट हो गया जैसा आपने दुर्वासा मुनि का सुने इस प्रकार तो ये भी कुछ कम ये नेता भाई ने था जाकर सीधा इंद्र को खाने एक्चुअली इससे पहले एक होता है जब उन्होंने मना कर दिया कौन इंद्र ने वज्र उठाकर फेंकने जा रहा था ये को मार दूंगा तुम दोनों को समरस पी रहे हो पता है तुमको तो ऐसा करके जा रहा था दोनों हाथ पैरालिसिस हो गया दोनों सोल्जर ड्रॉप सोल्जर ऐसा होता है बिल्कुल नो मूवमेंट बड़ा ऐसा जीरो बाई फाइव पावर मसल पावर तो क्या करेगा तो ऐसे ही तो बड़ा बड़ा आ गया बोलते फिर अपना जब देखा जान खतरा में है मद आकर उनको खाने वाला है बोलते नहीं 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 अभी दोनों को समरस प्राप्त कर दो तो तभी जाकर ये अश्विनी कुमार दोनों ही उनका सर्जरी किया था सर्जरी मतलब ऐसे ही मंत्र के द्वारा कंधे ठीक कर दिया था तो इस प्रकार बहुत कुछ ऐसा वर्णन है कि फिर दोनों समुरस पान करें तो अगले ये मैं आप लोग पढ़ेंगे किस प्रकार जो है ये दोनों अश्विनी कुमार चवन मुनि को जवन प्रदान किए थे फिर आगे जाकर ये आ, जब उनका राजा सरा सर सरया, सर सरयाती सरयाती राजा जब आते हैं तो देखते हैं अपना पुत्री के साथ कौन नौजवान लड़का बैठा है तो उनको संदेह करेंगे ये सब आगे आप चर्चा करेंगे तो मैं इसको बोलना नहीं चाहता हूँ तो इस अध्याय से हम सीखे कि जो सारे चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई भी ये हो तो प्रभुपात बोलते हैं तात्पर्य में सबसे बड़ा सफलता होती है जब हम जो है जीवन की सफलता ये है कि हम कम से कम एक भक्त बने तो इसलिए ये भक्त बनने का उपाय भी प्रभुपात बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के सारे वैदिक ज्ञान है जो वेदांत सूत्र की जो कमेंट्री है भागवतम सारे वेद का जो निगम कल्पतरु ना पका हुआ आम के समान है, है कि नहीं तो ये भागवत में सारी विद्याएं हैं अनेक उपाख्यान है लेकिन जो है जैसा चैतन्य महाप्रभु के समय जो चैतन्य महाप्रभु गाया करते थे भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है आने छे औषध मया नास लागी हरि नाम ले तुम मा गी तो कलियुग में ये मूर्ति समझे में नहीं तो हमको आता नहीं ना ब्रेन ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट ये सब फेल हो चुका है बहुत बार हो चुका है मैंने बहुत लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन नो बडी सक्सेसफुल हार्ट तो मतलब मिजरेबल फेल हो चुका है लंग्स तो मैंने और फेल हो जाए ब्रेन तो ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता है ज़्यादा से लिवर किडनी थोड़ा करें तो क्या उपाय है कि हम अपने को सुस्थ रखें तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र यही एक मह, महामंत्र में इतना शक्ति है सर्व औषधि वो और सबसे बड़ा रोग है भवो भवो रोग बार बार जन्म लेना बार बार मरना तो ये है ये जो आप सभी लोग जैसा कि हमारा क्लिनिक में मैं बैठता हूँ तो बहुत सारे ब्रह्मचारी को मैं देखता हूँ कभी आते नहीं तो मैं बोला प्रभु जी आप क्या क्या है ना हमारा मंत्र इतना शक्तिशाली है ऐसा मंत्र हम करते हैं अरे बीमारी क्या उसका बाप भी हमारे पास नहीं आता है बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ मैं बहुत सारे मैं भक्तों को जानता हूँ जो कभी भी एक बार भी क्लिनिक में आते ही नहीं छोटा मोटा कुछ होता है तो मेरा थोड़ा अनुभूति दो चार मिनट में बोल देता हूँ कि वास्तविक ऐसा प्रभुपाद जी ने हमको ऐसा मंत्र दिया है कोई डॉक्टर के पास जाने का ही जरूरत नहीं आप सोचिए अभी अभी कुछ दिन पहले परम पूजा वैष्णव महाराज का मैं अवसर प्राप्त हुआ था महाराज को बुखार आ रहा था तभी तो के सब कुंज में रहते थे तो मुझे बुलाए राज के देखो तो मैं बोला बहुत सारे टेस्ट किया एक रिपोर्ट बोलता है पॉजिटिव दूसरा बोलता है नेगेटिव सारे कन्फ्यूज़न करे क्या और महाराज है हैं तो करे क्या ये थोड़ा इंजेक्शन देने से कम होता है फिर बुखार आता है लेकिन आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मैं शायद मेरा जीवन में इतना मैंने रा, राधानी के चरण में सोचा धिक्कार है मेरा जीवन को मैंने तीस साल से इतना ओपन हार्ट सर्जरी दस हज़ार कर चुका लेकिन सिंपल एक हार्ट अटैक को मैंने मिस किया और महाराज को बिल्कुल कोई लक्षण नहीं था हृदय जो हार्ट अटैक का कोई भी लक्षण नहीं था और महाराज को थोड़ा सा चेस्ट पेन था और ऊपर से बुखार जो कि सारे डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया कोई कुछ बता नहीं पा रहा है हैं तो महाराज फिर गए फरीदाबाद वहाँ पे उनको ए जी सिंपल एक चीज़ मेरा कहने का मतलब है चाहे आप कितना भी बड़ा वैद्य हो कितना भी बड़ा सर्जन हो या जब तक भगवान का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं जो सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के प्रार्थना में देव को प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि कोई पिता अपना जो पुत्र और कन्या को सुरक्षा नहीं दे सकता है और डूबता हुआ आदमी को भी एक एक्सपर्ट स्विमर स्कूबा डाइवर वो भी बचा नहीं सकता है या तो कोई फिजिशियन या सर्जन किसी भी मरीज को अपना जीवन के एक सेकेंड तक जीवन नहीं बढ़ा सकते अगर भगवान का कृपा अनुग्रह ना हो तो कहने का एक चीज़ मैंने को रिलेशन हुआ कि चाहे हम कितना भी ये है कितना भी एक्सपीरियंस है अनुभूति है लेकिन जब तक भगवान की इच्छा नहीं है हमारे सब चीज़ फेल हो जाए तो मैं आप सभी को चरण में निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मुझे भी आशीर्वाद दे जैसा प्रभु जी ने लिखा है हर वैद्य को कम से कम भक्त होना चाहिए अगर हम यही जन्म में नहीं तो अगले जन्म में या किसी जन्म में अगर भक्त बन पाए तो यही है जीवन के सारे सबसे बड़ी सफलता तो ये ज्ञान भी भगवान कृष्ण ने जो चौंसठ कलाएं जो भगवान होती है उसमें एक मेडिकल साइंस भी आता है और अधरणी तो उसमें कृष्ण का गुरु है तो हम सभी को यही जो हरे कृष्ण मोहम्मत का नियमित रूप से मॉर्निंग साधना इतना अच्छे से करें तो हम सुस्त रहेंगे शरीर अगर सुस्त नहीं रहेगा ना हम सेवा कर पाएंगे ना साधना ना हम स्वाद है तीनों के तीनों शरीर के ऊपर आधारित है हाँ है ना तो इसी प्रकार तो हम भी आ, प्रार्थना करें कि अश्विनी कुमार को तो हम इतना तो ये नहीं है आवश्यक नहीं है तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र और भगवान ठाकुर जी कृष्ण के धाम श्री वृंदावन धाम में रहकर हम अगर सही ढंग से भजन करें और खुद को आरोग्य रखें हम अधिक समय जीवित जीवित रह सकते हैं और साथ ही साथ हम जो भजन में अग्रगति कर सकते हैं हरे कृष्ण समय हो चुका है महाप्रसादे गोविंदे तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तो बहुत कुछ ज्ञान नहीं है तो आप लोगों को कोई अगर त्रुटि है आप उसको सु, सु, सुधार सुधारने की कृपा करें हरे कृष्ण ग्रंथराज भागवतम की श्रील प्रभुपाद की उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय हिता गौर सीताथ प्रेमानंदे हरि हरी, हरी बोल।